अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, S7 न्यूज में आपका सभी का इस्तकबाल है। मैं सैयद शहबाज, आइए देखते हैं आज की ये खबर। कल शाम नुमाइंदा काउंसलर जनाब शेख अदीर साहब के ऊपर हमला किया गया, आइए देखते हैं ये तफसीली खबर। मैं हसन शाह, वार्ड नंबर 1 से नुमाइंदा काउंसलर। आज हमारे खुबा कॉलोनी के वार्ड नंबर 24 के नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल खदीर साहब पे अटैक किया गया। ये जो है सो काफ़ी प्लानिंग से अटैक किया गया उनके ऊपर। काफ़ी दिनों से माशाल्लाह उन्होंने पब्लिक के बीच रह के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बुरे रात दिन हर वो काम कर रहे थे। वो कामों के दौरान आज उन्होंने पानी की गाड़ी वगैरह भिजाए बस्ती में पानी देने, उसके ऊपर से पानी के ऊपर लड़ाई निकाल के उनके ऊपर अटैक करे, और काफ़ी दिनों से उनके पीछे लगे हुए, और इलेक्शन के वक्त भी उनके ऊपर। ये भाई रेडी ना भाई, पूरे कैमरा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अब्दुल खदीर, मैं नुमाइंदा काउंसलर जलपल्ली म्यूनसिपल वार्ड 24 से। आज जो है मेरे वार्ड में पानी की तकलीफ थी, तो मैं मेरे साथ 8 बजे के टाइम पे एक वाटर टैंक भेजा है गली में पानी सप्लाई के लिए। कितने बजे हुआ साहब वाक़ आठ बजे मैं वाटर टैंक भेजा ईशा की नमाज से कुछ देर पहले वाटर टैंक भेजा। सैयद मज़र बोल के बस्ती का एक बच्चा है, उसके वाटर टैंक भेजने के बाद में गली में एक लेडी है जो TRS का काम कर रहे थे अपोजिशन में। मैं तो TRS का काम किया, वो लोग जो है ना हारने के बाद से जब से खुशमत रख रहे। 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ था खोबा कॉलोनी में, कौंसल इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन में जो है ना वो लोग TRS का काम कर रहे थे, हमारे अपोजिशन पार्टी का जो है ना काम कर रहे थे। तो उसमें जो है जब से खुशमत हुई वो लोगों में 4 वोट से विन हुआ ये एरिया में। अच्छा जलन, हाँ 4 वोट से ये एरिया में जो है ना विन हुआ मैं। तो उसकी वजह से जब से खुशमत रखे थे, जब से घुरमगारी मेरे साथ, मेरे काम करने वालों के साथ, जितने भी जो थे ना काम करने, 4 महीने से ऐसी घुरमगारी चल रही। मेरे साथ के बच्चों को बुला के लोगों को डराना, लोगों को बच्चों को गालियां देना। ये पहली बार हुआ आपके साथ वाकई? नहीं, ऐसे घुरमगारी तो 4 महीने से चल रही है। लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, समझो घुरमगारी चल रही, गन लेके।